और मध्य प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए खबर पर नजर के साथ बने रहिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मध्य प्रदेश रेलवे पुलिस की बड़ी कार्रवाई। रेलवे पुलिस अधीक्षक श्रीमती निवेदिता गुप्ता के मार्गदर्शन में मुखबिर की सूचना पर टीम के द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें रतलाम के रेलवे स्टेशन 4 पर दिलखुश जैन पिता बाबूलाल जैन को पकड़ा गया, जो महाराष्ट्र के निवासी है। उनके पास सोने के जेवरात पकड़े गए डिटेक्टिव टीम द्वारा, जिसमें सोने के हार, मंगलसूत्र, ज्वेलरी और अन्य सामान मिला, जिसकी कुल कीमत 3 लाख से ज्यादा रही। अग्रिम कार्रवाई हेतु संबंधित विभाग एवं जीएसटी विभाग के अधिकारी को सूचना दी गई, जो अधिक मात्रा में सोने के जेवरात होने से जीएसटी विभाग द्वारा कार्यवाही कर 2 लाख से ज्यादा का जुर्माना लगाया गया। पुलिस महानिदेशक श्री सुधीर कुमार एवं पुलिस महानिरीक्षक श्री महेंद्र सिंह सिकरवार रेल भोपाल के इंदौर रेलवे पुलिस अधीक्षक निवेदिता गुप्ता के आदेश अनुसार त्योहारों पर लगातार मुहिम जारी है, जिससे यात्रा सुरक्षित और आरामदायक हो सके और अवैध गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके। साथ ही रेलवे एसपी ने बताया उनकी यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। क्या सोचना मिलती है और क्या इसके पास से कुछ जवाब मिलेगा? हाँ, अब दीपावली का त्यौहार है जैसे, तो उस संबंध में सघन चेकिंग भी हो रही है और रेलवे मैनुअल के तहत अपनी एक डिटेक्टिव टीम काम करती है, विच डायरेक्टली वर्क्स अंडर द एसपी रेल। अभी जो पुरानी वाली टीम थी उस पर कुछ संदेश आ हुआ जो भी हो, तो हमने वो पूरी टीम भंग करके नई टीम बनाई थी और उसको इसी दिवाली के तहत सघन चेकिंग के तौर पे और कुछ मेरे जरिए सूचना प्राप्त हुई थी तो उसमें इन्हें भेजा था। लकीली वी गॉट वन गाय जिसके पास सोने के जेवरात थे और वो बिल भी पेश किया, पर बिल और जो जेवरात के फ़ोटो थे मैंने व्हाट्सएप पे मंगाए, क्योंकि मैं तो यहाँ इंदौर में थी, ये लोग रतलाम में उसे पकड़े प्लेटफॉर्म नंबर 4 से रतलाम स्टेशन के, तो उसमें मुझे कुछ डिस्क्रिपेंसी मालूम है और अपने विभाग को बिल के बारे में जानकारी होती नहीं है, तो हमने तत्समय ही यहाँ पे आयुक्त महोदय को कम्युनिकेट किया और रिटर्न में पत्र भेज करके ताकि उनकी इन्फोर्समेंट वाली टीम जो है रतलाम पहुँच जाए। तो सुबह सुबह जैसे ही जीएसटी की टीम वहाँ पहुँची, उन लोगों ने अपनी कार्रवाई पूरी करी। दोनों पुलिस और जीएसटी संघ में कार्रवाई की, ये कौन है व्यापारी, कुछ नाम हो? हाँ, व्यापारी का नाम था दिलकुश जैन, रहने वाला तो वो महाराष्ट्र का है, रतलाम और बम्बई वो आता जाता रहता है, ऐसा उसका मतलब जेवरात को ही। कितना इसके पास? उसने तो बताया था 680 ग्राम जेवरात है और लगभग 25 लाख की कीमत उसने बताई थी, पर जीएसटी वालों की कार्रवाई में वो 724 ग्राम कुछ मिलीग्राम आए और उस पर 33 लाख की कीमती था, तो उस पर उनकी जो पेनाल्टी भी बनी वो 2 लाख समथिंग की बनी। कुछ पता है मतलब कुछ जवाब पेश कर पाया इतने जेवर का? वो जवाब में वही जो अपना बिल दिखाया था, वो बाकी जानकारी तो जीएसटी विभाग वाले जाने, क्योंकि बिल का हमें नहीं ज्यादा वो रहता, उन्होंने अपने परसेंट वाइज फिर उस पर पेनाल्टी लगाई और पेनाल्टी उसने तुरंत डिपॉजिट किया और फिर उसका माल जो है उन्होंने एनओसी लेकर के थाना प्रभारी रतलाम द्वारा उसे सपोर्ट कर लिया। और कुछ बताया रतलाम कब से था? नहीं, उसने अपने स्टेटमेंट में बस इतना बताया कि मैं बम्बई से रतलाम आता जाता रहता हूँ। सोने का व्यापारी। आपका नाम और डेजिनेशन? निवेदिता गुप्ता, एसपी रेल, इंदौर।